सिंह राशि में धन योग। सिंह राशि उसे कहते हैं जब किसी भी कुंडली में उसका जो प्रथम भाव है वहाँ पे 5 नंबर लिखा हो, अर्थात लग्नेश 5 हो। 5 नंबर अर्थात सिंह राशि जिसके देवता सूर्य है, और इनके धनेश कौन हुए 6 नंबर अर्थात बुद्ध देवता। किसी भी कुंडली में 12 भाव होते, ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये 12वां भाव। उसमें पहला भाव में अर्थात लग्नेश और दूसरा भाव धनेश। इस कुंडली के धनेश कौन हुए 6 नंबर बुद्ध देवता। अगर किसी भी कुंडली के धनेश अर्थात सिंह राशि के कुंडली के जो धनेश है बुद्ध देवता, वो 6 नंबर में हो या फिर 3 नंबर में हो, तब उस व्यक्ति के जीवन में धन योग बनेगा। लेकिन बुद्ध देवता 12 नंबर में नहीं होने चाहिए, यह अशुभ माना जाएगा। ठीक है, 3 और 6 में ही धन योग बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर एकदम ही अशुभ है। उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति का जो बुद्ध है वह बलाबल हो, अर्थात वो युवा अवस्था में हो। अगर वह बाल अवस्था में हुआ या वयोवृद्ध हुआ तो उसका परिणाम कम हो जाएगा और धन योग कम हो जाएगा। ठीक है, अब सिंह राशि में एक और योग बनता है जिसे हम कहते हैं महाधन योग। महाधन योग तब बनेगा जब उस व्यक्ति की कुंडली में केवल 12 नंबर छोड़ के बाकी किसी भी जगह, 12 नंबर छोड़ के बाकी किसी भी जगह बुद्ध देवता, मंगल देवता, फिर शुक्र देवता और अर्थात बुद्ध, मंगल और शुक्र देवता, ये तीनों एक साथ आ जावे। कौन कौन? बुद्ध, मंगल और शुक्र देवता, ये तीनों जब एक साथ आते हैं तब उस व्यक्ति के जीवन में महाधन योग बनता है। बुध, मंगल और शुक्र, यह है मंगल और यह है शुक्र, अर्थात व्यक्ति के कुंडली में केवल इस स्थान को छोड़ करके, या यूं कहे हम 10वां स्थान भी छोड़ देते हैं लेकिन ये स्थान तो बिल्कुल गलत होगा, बुध, मंगल और शुक्र बाकी किसी भी भाव में अगर आते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में महाधन योग बनता है और वह एक प्रकार से राजा की तरह जीवन जीता है। धन की उसे कभी कमी नहीं होती है, बशर्ते शर्त इतनी है कि इन तीनों ग्रह की जो डिग्री है वे युवावस्था में होनी चाहिए, अर्थात 100% परिणाम देने वाले। अगर वो 5 डिग्री से नीचे या 25 से 30 डिग्री के बीच में होंगे तब उनका परिणाम घट जाता है। किसी भी ग्रह की डिग्री वो जीवों से 30 होती है किसी भी भाव में, ठीक है, तो वे 10 से 20 डिग्री होंगे तब उनका परिणाम अच्छा होगा। दूसरी शर्त यह है कि वे अस्त ना हो, अगर इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य के कारण या सूर्य की समीपता के कारण अस्त हो जाए तब भी उनका परिणाम कम हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है, अगर महाधन योग ना भी बन पाए और सिंह राशि में बुध मंगल से युति कर ले या फिर बुध शुक्र के साथ युति कर ले, किसी भी भाव में केवल ये दोनों भाव छोड़ के, किसी भी भाव में केवल 10 नंबर, 12 नंबर था षष्टम भाव, अष्टम भाव को छोड़ के अगर बुध शुक्र या मंगल के साथ भी युति करता है तब भी उस व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं होगी, धन हमेशा आता रहेगा। बस एक छोटी सी शर्त है कि ये जो ग्रह जिनके साथ बुध युति करेगा बुध खुद, वे युवावस्था में हो, कमज़ोर ना हो, क्योंकि अगर कमज़ोर होते हैं, नीचे हो या आगे हो, तो कई बार वो दूसरे भाव का परिणाम देने लगते हैं और युति कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरी बात, ये ग्रह अस्त नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात, इन पे किसी भी नीच ग्रह की या नीच राशि की दृष्टि ना हो।
इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी ये योग बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि बुध 12 नंबर में नीच का होता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि वो नीच में बिल्कुल ना। वैसे आप कहोगे इस केस में कि शुक्र 6 नंबर में नीच का होता है, हाँ, और बुध अगर शुक्र एक साथ यहाँ युति बना ले तो क्या होगा, तब भी हम कहेंगे धन योग देगा। बस शर्त यह है कि बुध कमज़ोर ना पड़े। अगर बुध की पावर, बुध 10 से 20 डिग्री में है, बुध धनेश है, इस कारण से स्व राशि में बैठा है, तो शुक्र नीच राशि में बैठने के कारण भी, वो भले नीच राशि में शुक्र बैठा होगा, तब भी बुध शुक्र की युति फलदायी होगी और उस व्यक्ति को धन योग मिलता रहेगा।